दोस्तों आज 2 सितंबर को श्री केदारनाथ यात्रा फिर से बंद हो गई है। जी हां दोस्तों, दरअसल आज पूरे रुद्रप्रयाग जिले में सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी और यही कारण है कि केदारनाथ मंदिर, गौरीकुंड, सोनप्रयाग तथा पूरे सड़क मार्ग में सभी यात्रियों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा था। और फिर से एक बार जो यहाँ का मौसम है पूरी तरह से बदल गया है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मौसम श्री केदारनाथ धाम में साफ था और अब ये लग रहा था कि अब केदारनाथ धाम में जो है मौसम इसी प्रकार खुला हुआ रहेगा और यात्रियों को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आज सुबह से ही मौसम पूरी तरह से बदल गया पूरे केदार घाटी में और जोरदार बारिश शुरू हो गई है। और यही कारण है कि खराब मौसम को देखते हुए गौरीकुंड में सभी यात्रियों को रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज 2 सितंबर को फिलहाल गौरीकुंड से किसी भी यात्री को ट्रेकिंग करने का अनुमति नहीं दिया गया है। साथ ही हेलीकॉप्टर की सभी उड़ानें भी फिलहाल बंद है। वहीं दोस्तों इस समय जो है सड़क मार्ग से भी यात्रा को बंद कर दिया गया है क्योंकि बांसवाड़ा के पास जो है पहाड़ी से मलबा सड़क पे आ गया है। जितने भी गाड़ियां थी सभी बांसवाड़ा के उस तरफ ही रुकी हुई है और फिलहाल यहां से भी यात्रियों का गाड़ी सोनप्रयाग गौरीकुंड की ओर नहीं आ रही है। फिलहाल जो सड़क पे मलबा आया था उसे हटाने का कार्य शुरू किया गया है। अब देखते हैं कितने टाइम बाद मलबा हटता है और मौसम साफ होती है, उसके बाद प्रशासन एक अहम फैसला लेगी कि फिलहाल केदारनाथ यात्रा को शुरू किया जाएगा या नहीं। वैसे भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और ये बताया है कि आने वाले कुछ दिनों तक अब ऐसे ही पूरे केदार घाटी एवं रुद्रप्रयाग जिले में मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। तो दोस्तों अब ऐसे में यात्रियों के लिए थोड़ा टेंशन की बात जरूर है क्योंकि अभी बहुत सारे यात्री जो हैं फिर से आने का मूड बना लिए थे और बहुत सारे यात्रियों का आवाजाही भी शुरू हो गया था। और अभी भी गौरीकुंड में करीब 3,000 यात्री रुके हुए हैं और साफ मौसम होने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे प्रशासन के तरफ से फिलहाल ये पूरी तरह से कह दिया गया है कि जब तक हमारे द्वारा फिर से आप सभी को अगले आदेश नहीं दिया जाए तब तक आप सभी खुद की मर्जी से ट्रेकिंग शुरू नहीं कर सकते हैं और यही कारण है कि सभी यात्री इस समय जो है गौरीकुंड में रुके हुए हैं। साथ ही पूरे यात्रा मार्ग में फिर से बारिश शुरू हो गई है, रास्ता टूटना फिर से शुरू हो गया है। दोस्तों ये जो है थोड़ा सा टेंशन की बात जरूर है क्योंकि सितंबर महीने में हर वर्ष जो है मौसम पूरी तरह से साफ हो जाता था लेकिन इस वर्ष जो है अभी तक रास्ते टूट रहे हैं, मौसम बिगड़ रहा है और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 10 सितंबर तक इसी प्रकार मौसम बिगड़ा हुआ रह सकता है। वैसे यात्रा इतने दिनों तक तो बंद नहीं रहेगी, फिलहाल जो भी यात्री गौरीकुंड में रुके हुए हैं जैसे ही मौसम साफ होगा और अगर ट्रेकिंग मार्ग में किसी भी तरह का भूस्खलन नहीं होगा तो फिर प्रशासन के तरफ से तुरंत परमिशन दे दिया जाएगा यात्रा शुरू करने के लिए। लेकिन इस समय जो है सावधानी बरतना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो है भारी बारिश में फिर से जो है भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। तो अगर आप सभी कोई यात्री गौरीकुंड में हैं और गौरीकुंड से यात्रा अगर शुरू करते हैं तो आप सभी रास्ते में कहीं भी ना रुकेंगे, जहां से मलबा आता है वहां पर तो आप सभी जितना भी जल्दी हो सके वहां से पास कर जाएंगे क्योंकि केदार घाटी में मौसम फिर से पूरी तरह से बदल गया है। वहीं केदारनाथ मंदिर के पास भी सुबह से ही जोरदार बारिश हो रही है और फिलहाल यहां पर तो कोई खतरा नहीं बना हुआ है लेकिन ट्रेकिंग मार्ग में फिर से भूस्खलन हो सकता है। और आज जो है बांसवाड़ा में जो है भूस्खलन हो भी गया है और यही कारण है कि सड़क मार्ग से भी फिलहाल यात्रा को रोका गया है। तो दोस्तों आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है, केदारनाथ यात्रा को फिर से बंद कर दिया गया है और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले आने वाले काफ़ी दिनों तक फिलहाल मौसम खराब रहेगा। तो जो भी यात्री यात्रा पर आएँ सावधानी पूर्वक आएँ, अपडेट लेकर आएँ और देखते हैं आखिर प्रशासन के तरफ से अब केदारनाथ यात्रा कब तक शुरू कर दिया जाता है। अब दोस्तों आप सभी ये पूछेंगे कि आखिर अब यात्रा कब शुरू होगा, तो देखिए इसके लिए मैं आप सभी को बता दूं फिलहाल प्रशासन यात्रा बंद जरूर करवाए हैं लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा और यात्रा मार्ग में अगर भूस्खलन नहीं होता है तो हो सकता है यात्रा कल से फिर से शुरू हो जाए। लेकिन देखते हैं कि अब शाम तक क्या माहौल रहता है, कितना बारिश होता है और रास्ते के हालात क्या रहता है। मिलेंगे कल आप सभी को फिर से एक नए वीडियो के साथ। जय श्री केदार, हर हर महादेव।